और मैं कानून का सहारा लिया हूँ और जल्द से जल्द जी एल वर्मा गिरफ्तार हो और जी एल वर्मा के खिलाफ क्योंकि मैंने मुकदमा दर्ज किया है तो वो भी जैसे मान ले कि मुझे थोड़ा डर सा महसूस हो गया है, अकेला रहता हूँ यहाँ प्रदेश में, कानून के होते हुए वकील होते हुए और वो जैसे मान ले कि हम जैसे दलितों के साथ में उसने बेतमीजी से पेश आया है, उसने जाति वो जब कि उसको संविधान का भी मालूम होते हुए भी उसने दुकान उठाने की धमकी दी है। मेरा आर पार रिकॉर्ड में वर्मा ही है, बच्चों के मार्कशीट में भी वर्मा है, बिल्कुल मेरी बेटी हैं 5 उनमें भी वर्मा ही है, खाली मेरा राशन कार्ड में जाति जो हमारी बलाई है वो ही लगा रखा है, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट्स में वर्मा है। करीब एक महीने पहले की बात है, जी एल वर्मा नाम के वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि राम अवतार वर्मा तुम वर्मा सरनेम हटा लो और मैं उन्हीं राम अवतार वर्मा की दुकान पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख लीजिए ये मोची हैं, यहाँ पर बीते कई सालों से लगातार लोगों के जूते और चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं दुकान पर एक मनुवादी जी एल वर्मा नाम के वकील आते हैं, कहते हैं कि तुम वर्मा सरनेम हटा लो और इसके बाद में इनकी भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। पुलिस पहुंचते हैं, पुलिस पास जाते हैं, पुलिस उस वक्त केस तो नहीं दर्ज करती, लेकिन 2 दिन पहले इन्होंने SC/ST की गंभीर धाराओं में जी एल वर्मा खिलाफ केस दर्ज करवा लिया है। जो जी एल वर्मा है दरअसल वो इसी हिंदुस्तान अपार्टमेंट है, यहीं पर वे रहते हैं और माना जाता है कि वे काफ़ी दबंग हैं और उनकी दबंगई यहाँ पर लंबे समय से चल रही है। बताइए राम अवतार जी, एक महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अब केस हुआ है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? देखो जी, अब ऐसा है कि अब मुकदमा दर्ज हो गया है और अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं कानून का सहारा लिया हूँ और जल्द से जल्द जी एल वर्मा गिरफ्तार हो, बस यही चाहता हूँ। गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं है कुछ भी? हाँ, गिरफ्तारी चाहता हूँ मैं इसकी, इसने मेरे को बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है मैंने। अरे उन्होंने तो आपको स्टैंड वगैरह दिए थे, फिर भी आप उनके इतने खिलाफ हैं? जैसे मान लो कि वो एक सभी सभी जो काम करने वाले थे ना, सभी जो जूते सब लोगों का काम करने वाले मोची भाई, उनका सभी को कोई सोई संस्था थी, उन्होंने दिया है। वो तो बीच में ये मेरा मामला, जैसे मान लो मुझे तो पता ही नहीं था कि जी एल वर्मा वहाँ जाएगा, ये तरह मैं जाता ही नहीं, लेकिन वो तो जब बाद में जैसे मान लो वहाँ मेरे को बुलाया ना, बोले ले भाई वो सभी को बांटे, फिर मेरे को बुलाया, तो जिन्हों जिनकी संस्था थी वो खड़े थे, उसके बाद में वो बीच में आकर के जी एल वर्मा आ गया, वो भी हाथ लगा लिया। तो ये था, तो जैसे मान लो लोगों ने देखा भाई ये ऐसे हो जाए नहीं, फिर मैं बोला भी मगो यार ये जी एल वर्मा का तो नहीं है, बोले नहीं ये हमारी संस्था का है, सभी भाइयों को जितने भी मयूर विहार में मोची बैठते हैं उनको सबको हम निःशुल्क दे रहे हैं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले खत्म करने के लिए आपको सम्मानित किया गया था। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरा बोला चला ही नहीं हुआ उनसे, जी एल वर्मा से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, शाम को ले लो, तो मेरे जी एल वर्मा से कोई बात ही नहीं हुई इस संबंध में, जो मेरा जी एल वर्मा का जो मैटर चल रहा है ना, इस संबंध में कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, आपने केस वगैरह दर्ज करवा दिया, क्या कभी जी एल वर्मा की तरफ से कोई आया या जी एल वर्मा खुद आया? नहीं 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 नहीं, उसने अभी तक कोई इसी के मामले में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारी, कोई बोला चला ही नहीं हुआ, कोई अगर भाई राम अवतार मेरे से गलती हो गई कि नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं। जी एल वर्मा मेरे को कभी आके यही नहीं कहा कि बेटे मेरे से गलती हो गई, कभी नहीं कहा मेरे। लेकिन आपने FIR करवा दिया, अगर जी एल वर्मा आते हैं माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देंगे आप? देखो ऐसा है, मैं फिलहाल में जब व्यक्ति आज मेरे से 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है, काफ़ी बार 6 महीने से नहीं, जैसे मान लो 5 या 6 महीने से प्रक्रिया चली रही है, एक महीना तो अभी FIR थाने में ही चक्कर काटते काटते हो गए मेरे को, और जैसे मान लो कई बार आकर के मेरे को परेशान करते थे, तो जैसे कि क्या है कि अब मैं ये चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से कि वो गिरफ्तार हो, बस फांसी तो खैर किसी की नहीं लगती लेकिन उसको सबक मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में किसी को माफ़ कर देने वाला बहुत महान होता है, जो माफ़ करता है, तो अगर आएंगे तो माफ़ कर देंगे आप? देखो ऐसा है, माफ़ भी होता है लेकिन कोई तरीके से ही होता है। देखो ऐसा, पहले उसको सबक सीखना चाहिए, पहले उसको अक्ल आनी चाहिए, उसको कानून के होते हुए वकील होते हुए और वो जैसे मान ले कि हम जैसे दलितों के साथ में उसने बेतमीजी से पेश आया है, उसने जाति वो जब कि उसको संविधान का भी मालूम होते हुए भी उसने दुकान उठाने की धमकी दी है,
तो ये बातें सब उसके मुंह से, जबकि वो वकील होते हुए भी ये कर रहा है, तो उसको सबक मिलना भी जरूरी है। आखिरी में माफ तो करना ही है, और कोई फांसी थोड़ी लगेगी उसके, ये बात है सर। थाने जाते हैं SHO, तमाम रंग के अधिकारी होते हैं, SHO होते हैं, ACP होते हैं, DCP होते हैं, स्पेशल CP, CP तमाम पोस्ट हैं। तो जो IO हैं, क्या कुछ कहना है उन लोगों का, और DCP, ACP, SHO क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से मैं निवेदन करूंगा कि वो GL वर्मा को गिरफ्तार करें। मेरी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अब कानून कार्रवाई के तहत उसको गिरफ्तार करें, ये निवेदन करता हूँ मैं दिल्ली पुलिस से। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी और दूसरे शहर में होते हैं, दूसरे राज्य में होते हैं, क्या कार्रवाई हो पाती, केस हो पाता? नहीं साहब, मुझे तो मुश्किल लगता था। अभी जैसे मान लो कि एक महीने से मैं, जैसे मान लो मुझे 2-3 दफ़े थाने में बुला लिया, DCP के पास में भी चला गया मैं, और जब जा कर के अब जैसे मान लो कि ये थोड़ी मीडिया की थोड़ी सहायता से थोड़ा जागरूकता हुआ है, कई लोगों ने जैसे पूरे भारत में देखा है कि ये बड़ी दुख भरी कहानी है, तो इस संबंध में नहीं, गरीब आदमी का मुकदमा जल्दी से दर्ज नहीं होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द GL वर्मा गिरफ्तार हो। मेरी दिल्ली पुलिस से मेरी आत्मा कह रही है, मैं नहीं करा। अच्छा, जिस तरीके से आपको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो एक दबाव रहा होगा आपको, रात में क्या नींद आ जाती थी? नहीं, मेरे बेचैनी थी, जैसे मान लो कि और क्या, कि मैं जैसे मान लो कि रोजी रोटी का सवाल है एक तरफ, दुकान उठाने का सवाल है एक तरफ, उसने मजबूर कर दिया मेरे को कि ये मिटान नाम और अपनी जाति लेके, तो ये सब चीज़ें जो आज से पहले होती थी वो चीज़ें आज भी, जाति संबंधी जो भेदभाव वाला हिसाब है वो ये था, तो इसने कई बार जैसे मान ले मेरे को परेशान किया, ठीक है ना। तो अब मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करें। अमृतकाल आप खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, ताली थाली बजाइए, आप कह लीजिए हम अमृतकाल में जी रहे हैं, लेकिन साहब सच्चाई यही है, जाति जो है उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है, जाति है कि जाति नहीं। तो दिल्ली पुलिस क्या लगता है आपको, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही, क्योंकि 2 दिन हो गया केस दर्ज किए हुए? नहीं करेगी, देखो अखबार में भी 2-3 दिन का नाम लिया है, अखबार में आई है, अब 2-4 दिन का तो समय लगेगा, और करेगी। जैसे मान लो कि मैं तो निवेदन करता हूँ दिल्ली पुलिस से कि वो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। लेकिन अखबार के मुताबिक कि पुलिस करीब नोटिस भेजेंगे उनको। हाँ, उसमें नोटिस का लिख रखा है, तो यही है कि मैं जैसे मान लो कि मैं मीडिया पे भी ये कह रहा हूँ कि साहब उसे, मेरे निवेदन है दिल्ली पुलिस से कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। डर नहीं लग रहा है आपको कि आप अकेले यहाँ पर काम करते हैं, आपका घर परिवार घर पर है? डर तो जैसे मान लो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, तो जैसे मान ले कि वो भी है, पता नहीं मेरे ऊपर कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो इसलिए मेरा निवेदन है दिल्ली पुलिस से कि GL वर्मा को मेरे खतरा लगता है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। कुछ सुरक्षा की मांग प्रशासन से, हमारे माध्यम से? मांग तो यही है कि GL वर्मा को, मेरा जैसे मान लो कि मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा भी जरूरी होना है, और GL वर्मा के खिलाफ क्योंकि मैंने मुकदमा दर्ज किया है, तो वो भी जैसे मान ले कि मुझे थोड़ा डर सा महसूस हो गया है, अकेला रहता हूँ यहाँ पर देश में, सब मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं पटपड़गंज में, यहाँ अकेले रहते हैं आप? हाँ जी, जो 3 BR के हैं वो किराया ले रखे हैं, उनके साथ में रहता हूँ मैं, जो भी खर्चा आता है वो हम चारों मिलकर के बांट लेते हैं। यहाँ पर अकेले रहते हैं, गरीब हैं, राजस्थान के मूलतः रहने वाले हैं, यहाँ पर बीते कई सालों से जूता और चप्पल बनाने काम कर रहे हैं, जो कमा लेते हैं 1,500, 200, 400 रुपये, उसी से एक घर परिवार चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो जात का कीड़ा है अभी भी लोगों को जहन से, दिमाग से नहीं निकल रहा है। बताइए क्या ज़रूरत थी, ये बेचारे अपना यहाँ पर काम कर रहे थे, लोगों के जूता चप्पल सही करने काम कर रहे थे, तो उनको क्या दिक्कत हो गई? वर्मा जो टाइटल है, सरनेम है, दिक्कत उनको उसी से थी, असली वर्मा तो मैं हूँ, तुम तो SC कैटेगरी से आते हो, तुम वर्मा कैसे लगा लिए? और ये साफ बताते हैं कि इनके यहाँ जो लोग हैं, राजस्थान के तमाम SC कैटेगरी के लोग हैं, वे लोग वर्मा लगाते हैं, चौधरी लगाते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्या क्या लगाते हैं, हमारे मेरे गाँव में, मेरे राजस्थान में कोई मेघवाल लगाते हैं। हाँ। कोई चौधरी लगाते हैं, कोई बुनकर लगाते हैं। हाँ। अब मेरे गांव में हैं जो कोई हम वर्मा लगाते हैं, और भी वर्मा लगाते हैं, ज़्यादातर वर्मा ही लगाते हैं हमारे गांव में, तो कोई बुनकर लगाते हैं, तो ऐसा है, सब टाइटल है, ये कोई कुछ भी लगा सकता है। देखो
सब टाइटल सर नेम है और हाँ मेरा आर पार रिकॉर्ड में वर्मा ही है। बच्चों के मार्कशीट में भी वर्मा है? बिल्कुल, मेरी बेटी है 5, उनमें भी वर्मा ही है। खाली मेरा राशन कार्ड में जाति जो हमारी बलाई है वो ही लगा रखा है, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट्स में वर्मा है हमारा। सब जगह वर्मा है, राशन कार्ड में जाति लिखी हुई है, और जो इनका जाति प्रमाण पत्र बनता है बच्चों का बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें भी सरनेम वर्मा है, लेकिन जाति और उपजाति में बैंक में टोटल सब में वर्मा है, मेरी बेटियों के मेरे वर्मा है, सब जगह वर्मा है। और जीएल वर्मा को इससे आपत्ति हो रही थी, उन्हें परेशानी थी, और उन्होंने राम अवतार वर्मा को धमकी दी थी कि देखिए आप दुकान हटा लीजिए, नहीं तो हम आपकी दुकान को उठा करके फिकवा देंगे, क्योंकि तुम वर्मा का अपमान कर रहे हो, तुम नकली वर्मा हो, तुम असली वर्मा नहीं हो, असली वर्मा तो हम लोग हैं और मैं वकील हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनका, हालांकि मोबाइल नंबर हम हाइड कर दे रहे हैं, राम अवतार वर्मा, देखिए यहाँ पर इन्होंने कागज़ चिपका दिया है। अब आप एक कागज़ क्यों नहीं हटा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं हटाऊंगा, मैं कानून के तहत ही हटाऊंगा ये कागज़। पुलिस ने कुछ कहा है? पुलिस ने अभी, मैं पुलिस से भी मैं अभी कहा हूँ, मगर बोले पुलिस भी ये करेगा भाई, अभी रुक जा थोड़ा सा, तुम्हारा मामला इसी चीज़ का है। मामला इसी चीज़ का है, एक तरीके से ये जो है एविडेंस है, साक्ष्य है, और इसीलिए इन्होंने कागज़ को नहीं हटाया है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं, एससी एसटी की धाराओं में जीएल वर्मा खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और अब यही देखना होगा कि जीएल वर्मा की आखिर गिरफ्तारी कब होती है। कानून कहता है जिसके ऊपर एससी एसटी की धाराएं लगाई जाती हैं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी जीएल वर्मा को ऐसा लग रहा है कुछ लोग बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और माना जा रहा है कि जीएल वर्मा गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। और राम अवतार वर्मा भी लगातार दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, साहब जीएल वर्मा गिरफ्तारी कीजिए, उनको जेल भेजिए और सबक सिखाने का काम कीजिए। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पर साहब दिल्ली में देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर भी लोगों दिमाग से जात का कीड़ा नहीं जा रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।